नोबेल प्राइज विश्व के सबसे प्रतिष्ठित पुरस्कारों में से एक है। इस पुरस्कार के तहत 8 से 9 लाख रुपए मिलते हैं। लेकिन ये पुरस्कार देता कौन है, इसे किसने शुरू किया, जानते हैं इस वीडियो में। नोबेल प्राइज की शुरुआत की थी अल्फ्रेड नोबेल ने, जिन्होंने डायनामाइट का आविष्कार किया था। अल्फ्रेड के भाई की मौत हो गई थी, मीडिया को लगा ये भाई साहब तो मर गए, लेकिन अखबारों में छपा था द मर्चेंट ऑफ पीथ इज डेड, यानी कि मौत का सौदागर। फिर अल्फ्रेड नोबेल ने सोचा कि लोग मेरे बारे में क्या सोचते हैं, भाई इज्जत का तो कचरा हो गया, मैं मर जाऊंगा तो दुनिया मुझे ऐसे याद करेगी। तो उसने सोचा नहीं भैया, कुछ ऐसा काम करेंगे कि दुनिया मुझे अच्छे से याद कर पाए। तो उन्होंने उस समय उनकी जितनी भी संपत्ति थी एक ट्रस्ट में डाली और कहा कि एक ट्रस्ट इन्वेस्ट करेगी और इस ब्याज वगैरह को मिलाकर जो भी पैसा आएगा वो उन लोगों को दिया जाएगा जो लोग साइंस एंड इकोनॉमी के क्षेत्र में अच्छा कार्य करते हैं, ताकि उन्हें प्रोत्साहन मिले और मेरा नाम अमर हो जाए। और इन्हीं भाई साहब ने दुनिया का सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार नोबेल पुरस्कार को निर्माण किया था।